कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहे जाने पर मचे विवाद के बीच राहुल गांधी ने आज सफाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के विचार और सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा कि देश में नफरत, घृणा और भय का माहौल खत्म कर जो धर्म, जाति और विश्वास की दीवार से उठकर तथा सबके कल्याण के लिए काम करती है वही कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और सबसे प्यार करता हूं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि मैं पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े शख्स के साथ हूं, शोषित हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के साथ हूं। उनका धर्म, उनकी जाति, आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूं। मुझे सभी जीवों से प्यार है। मैं कांग्रेस हूं। दरअसल ये सारा मामला तब सुर्खियों में आया जब एक उर्दू दैनिक ने दावा किया कि राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पूछा था कि तीन तलाक बिल का समर्थन न देने के कारण क्या कांग्रेस मुस्लिमों में भी क्या सिर्फ पुरुषों की पार्टी है।